हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने जा रहे हैं रिगार्डिंग सैजिटेरियस। अगर सन मून और राइजिंग की पोजीशन आपकी सैजिटेरियस यानी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हीथ आप ध्यान ना देते हो, ध्यान किस पे देना, एनर्जीज पे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, तो हो सकता है एनर्जीज आपसे मैच करें, हो सकता है ना करें। अगर मैच करती हैं तो क्लेम करें, अदरवाइज लीव इट। इसमें हम चेक करेंगे कि 11th ऑफ सितंबर से लेकर 20th ऑफ सितंबर का जो टाइम पीरियड है वो आपका कैसे रहने वाला है। सो प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर सजिटेरियस धनु राशि फ्रॉम 11th ऑफ सितंबर टू 20th ऑफ सितंबर 2020। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फील आ रही है, सजिटेरियस जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हो ना वो बहुत स्ट्रांगली लिब्रा राशि के हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसी विजुअल्स आ रहे हैं। ओके, थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हमारा चैलेंज है टू ऑफ सोर्ड्स एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। ओ माय गॉड, मेरे को थ्री ऑफ कप्स एंड लिब्रा एनर्जी इतनी विजुअलाइज हो रही थी आपकी रीड शफल करते वक्त, आई कांट एक्सप्लेन यू। एंड हेयर इज थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड मुझे रिवर्स में ही विजुअलाइज हो रहा था। And here is the main energy of liberals, two of swords. Oh my God, Sagittarius. Okay, please angels and universe, give me a clarification for seven of wands. Clarify me, seven of wands. मैं देख सकती हूँ कि आप crossroads पे हो Sagittarius. कुछ लोग मेरे को third party situation में भी नज़र आ रहे हो। हो सकता है किसी ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हुआ है या आपने किसी को थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हुआ है। टेक इट एज इट रेजोनेट। एंड करंट में मैं देख सकती हूँ आप चीज़ों से काफ़ी लड़ते हुए नज़र आ रहे हो, लोगों से लड़ते हुए नज़र आ रहे हो कि अब आपको और नहीं सहना है एंड यू वॉन्ट थिंग्स टू गेट योर वे। एंड पास्ट में भी हो सकता है कुछ लोगों का रिवील हुआ हो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड ऑल, चीज़ें काफ़ी पास्ट में मैसअप हो गई थी। एंड हमारा चैलेंज है टू ऑफ सोर्ड्स, आपको एक राह चुननी है। अगर आप पार्टनर के कंसर्न में देख रहे हो तो आपको एक पार्टनर चुनना है। अगर आप अदरवाइज किसी फैमिली टर्म्स में या करियर वाइज देख रहे हो तो भी आप मुझे क्रॉस रोड्स पे नज़र आ रहे हो। आपको एक पाथ चूज़ करना है एंड आप कंफ्यूज हो कि आप क्या चूज़ करो, आपको समझ में नहीं आ रहा है सजिटेरियस। प्लीज़ गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर सेवन ऑफ वॉन्ड। एंड मैं न्यू मून में काफ़ी कुछ आपके लिए होता हुआ देख सकती हूँ। वैसे तो ये रीडिंग सभी के लिए है बट मैंने बोला ना कार्ड आने से पहले ही बोला, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आपको सब पता है सजिटेरियस क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। मैं आपको अपनी लाइफ की कमांड आपके हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हो आप मुझे कि यू आर लाइक कि अब मैं अपनी ड्राइविंग सीट पे खुद बैठूंगा, कोई और मेरी लाइफ की गाड़ी नहीं चलाएगा, स्टीयरिंग मेरे खुद के हाथ में होगा। अब आप चीज़ों को अपने हिसाब से चलाओगे एंड कंट्रोल भी आप अपने हाथ में लोगे एंड आपको जल्द ही कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा सजिटेरियस। अदरवाइज चीज़ें जो हैं स्टैगनेंट पोजीशन पे मैं जाते हुए देख सकती हूँ। माई गॉड, आई डोंट नो वाई वॉट इज़ हैपनिंग टूडे, आई वॉज गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। इसका क्लैरिफिकेशन किंग ऑफ सोल्स होगा एंड हेयर इट इज़। आई डोंट नो वॉट इज़ गोइंग ऑन टूडे विद योर रीडिंग, ऑल माई विजुअलाइजेशंस एंड इंट्यूशंस आर कमिंग सो ट्रू। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाइंग फॉर किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सेवन ऑफ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके यस, मैं कह रही हूँ ना आप मुझे चीज़ों से लड़ते हुए नज़र आ रहे हो एंड जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करेंगी आप उन्हें कट इट डाउन करके पीछे छोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अब आपको अपनी ग्रोथ के लिए एंड अपनी बेटरमेंट लाइफ में चाहिए। प्लीज एंजल्स एंड यूनिवर्स गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बस आपका चैलेंज यही है कि आपको चुनाव करना होगा सेप्टेम्बर मंथ में एंड स्पेशली इन बिटवीन 11 to 20th ऑफ सेप्टेम्बर। आप, मैं ये तो नहीं कहती कि इस टाइम पीरियड में आप चुनाव कर लोगे एज ये आपके चैलेंज के रूप में है, बट
इस सितंबर मंथ में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फैसला ले लेना चाहिए सजिटेरियस, अदरवाइज चीज़ें आगे स्टैगनेंट पोजीशन पे जा सकती हैं। प्लीज़ गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स द सन। यस, एंड आप जैसे ही कोई राह चुन लोगे, इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे, इस दुविधा से बाहर आ जाओगे और अपने लिए एक लाइफ पाथ डिस्टाइन कर लोगे, आप जो हो एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी देख सकते हो। हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, सक्सेस सब कुछ आप पा लोगे। बस सब कुछ जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज हुआ हुआ है ना, वो ये ब्लॉकेज इसी चक्कर में है कि आप फैसला नहीं ले पा रहे हो एंड आपको आप चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रही है करंट में, बट स्टिल एक डिसीजन मेकिंग बोलते हैं ना, वो आपकी मिसिंग है सजिटेरियस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर सजिटेरियस धनु राशि फ्रॉम 11th ऑफ सेप्टेम्बर टू 20th ऑफ सेप्टेम्बर 2022। लक इज इन योर साइड एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है फेथ इन योर ड्रीम्स। लक आपकी साइड पे है, मैंने बोला ना आप जैसे ही फैसला ले लोगे आप अपनी लाइफ में मैजिक देख सकते हो एंड आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने सपनों पे भरोसा रखो, यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, लक आपकी साइड है। बस जो आपका दिल कह रहा है ना और आपको जो पता है जो सही है, जो आप एक्चुअल में करना चाहेंगे, वो लाइफ पाथ अपने लिए डिस्टाइन करो एंड उस पर वॉक करो। इज एंजल्स गाइड मी फॉर सजिटेरियस धनु राशि फ्रॉम 11th ऑफ सेप्टेम्बर टू 20th ऑफ सेप्टेम्बर 2022। इट्स अप टू यू। सी, ये सब कुछ आप पे निर्भर करता है। ट्रस्ट, ओ गॉड, फेथ तो आपके लिए बार बार आ रहा है कि एंजल्स पे भरोसा रखो, अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखो और जो आपका दिल बोल रहा है ना वो आप करो। ये आप पे निर्भर करता है, आप अपनी लाइफ का क्या पाथ चूज करते हो और क्या अपनी लाइफ में डिस्टाइन करते हो। नाउ प्लीज़ एंजल्स गिव मी सम लव मैसेजेस फॉर सजिटेरियस धनु राशि फ्रॉम 11th ऑफ सेप्टेम्बर टू 20th ऑफ सेप्टेम्बर 2022। आपको जल्दी कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा सजिटेरियस। ओके, कीप एन ओपन माइंड, योर सोल मेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। आपको अपना दिमाग ओपन रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है जो सोलमेट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो वैसा ही हो। हर पर्सन अलग होता है, हर इंडिविजुअल की अपनी अलग पर्सनालिटी होती है, तो आपको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स हो सकता है कि करना पड़े, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो ना हो, बट आपका दिल जानता है कि कौन सही है कौन गलत एंड क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। थोड़ा ओपन माइंड रखो एंड आपको जो लगता है आपको लाइफ पाथ में आगे फ्रूटफुल रहेगा लॉन्ग टर्म में, वॉक ऑन दैट पाथ। आपका बॉटम ऑफ द डेक है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। हो सकता है कि आपको कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हों किसी पाथ के कंसर्न में, किसी पर्सन के कंसर्न में, यूनिवर्स आपको चीख चीख के बता रहा हो बट आप माइट बी वो रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हैं, तो उन रेड फ्लैग्स पे थोड़ा ध्यान दो एंड उन्हें कंसर्न करते हुए अपना फैसला जल्द से जल्द ले लो। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सजिटेरियस, होप दिस रीडिंग हेल्प्स, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।